मेंडेलीव ने क्या करा, जो कार्ड होते हैं ना, सिंपल कार्ड, उनमें हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज लिख दी। आप समझो मेरी बात को, एक कार्ड लिया, खाली कार्ड बनाया, उस कार्ड पे लिख दिया मैग्नीशियम और उसकी पूरी प्रॉपर्टीज लिख दी, सोडियम उसकी पूरी प्रॉपर्टीज लिख दी, और जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले कार्ड थे उनको जमा दिया एक साथ सीरीज में। तो जब जमाया तो उसने ये देखा कि भैया एक सेकेंड के, मतलब एक इंटरवेल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट सेम रो में आ रहे हैं। तो उसने एक टेबल बना दी पूरा। तो आज से पहले जो बना रहे थे वो ट्रेड बना रहे थे, ऑक्टेट बना रहे थे, कर्व बना रहे थे, इसने क्या बनाया, टेबल बनाया। और टेबल बनाते चमक गया, क्यों? क्योंकि टेबल याद करना आसान होता है, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट सेम ग्रुप में आ रहे थे इसके अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है, सारे एक तरफ आ रहे थे। तो वैसे ही यहां पर देखना पड़ रहा था कि हम अगर मेंडलीव्स को देखते हैं तो मेंडलीव्स क्या बोल रहा है इस जगह, ध्यान से देखो। मेंडलीव्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक लो, अकॉर्डिंग टू हिम द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। बस यहां उसने जो यूज किया वो एटॉमिक मास लिया, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, एटॉमिक मास है, सही है, यानी पीरियोडिक फंक्शन किसका है, एटॉमिक मास का। लेकिन बाद में जाके पता चला नहीं, एटॉमिक मास नहीं आना चाहिए, एटॉमिक नंबर था। अगर नंबर बोल देता पहली बार में ये, तो आज हम मेंडलीव्स लो ही पढ़ रहे होते, बोर्ड पीरियोडिक टेबल पढ़ते ही नहीं। समझ में आ रही है बात, बस थोड़ी सी गलती हो गई, खैर हर एक से हो जाती है। तो क्या बोल रहा है, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या है हमारे, अकॉर्डिंग टू हिम द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ही अरेंज देम नॉन एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, कंसिडर द फैक्ट दैट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज शुड फॉल इन द सेम वर्टिकल कॉलम एंड लीविंग आउट ब्लैंक स्पेसेस वेयर नेसेसरी। यानी कुल मिला के पीरियोडिक आया और जहां हमें ब्लैंक स्पेस मिल रही थी, यानी कि ये एलिमेंट हमारे पास डिस्कवर होना बाकी था, तो उसने दो चीजें बता दी, भाई ये वाला कार्ड गायब है, मिस है, यहाँ एक कार्ड होना चाहिए था इस लो में, तो ये वाला एलिमेंट आपको आसानी से नहीं मिल रहा है, आप इसको ढूंढो। लेकिन उसके एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक वॉल्यूम, उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये उसने पहले ही बता दी। इवन उसने उसका नाम भी बता दिया, नाम रख सकते हैं, तो वो नाम तक उसने बताने की कोशिश कर दी, लेकिन बस वो एलिमेंट अभी तक मिला नहीं था, क्योंकि उस वक्त कुछ ही एलिमेंट थे जो हमारे को फिजिकली मिल चुके थे। द टेबल इज डिवाइडेड इंटू 9 वर्टिकल कॉलम, 9 वर्टिकल कॉलम लिए एंड 7 हॉरिजेंटल रोज। हॉरिजेंटल ये होता है और वर्टिकल इस तरह से होता है। तो उसने एक पीरियोडिक, मतलब एक टेबल बनाई जिसको हम बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर कितने कॉलम थे, कॉलम का मतलब इस तरह से लाइंस, वर्टिकल कितने थे 9, और हॉरिजेंटल कितनी थी, हमारे कितनी थी हमारे पास 7। क्लियर है, 7 पीरियड, उसको हमने पीरियड नाम दिया और इसको हमने क्या नाम दिया, ग्रुप। तो 9 ग्रुप थे, लेकिन 9 ग्रुप का फर्दर क्लासिफिकेशन था हर एक का, ए बी ए बी ए बी करके, और इस तरह से हमारे पास टोटल कितने ग्रुप बन रहे थे 18, लेकिन मेन हमारे पास कितने थे 9 और टोटल कितने थे 18। आ रही है बात समझ में? तो चलिए पहले ये लिख लीजिए आप, देखिए कुछ मेरिट्स बता देता हूं मैं आपको, मेरिट्स एंड एडवांटेज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट, स्टडी ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट टाइम ऑल नॉन एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड इन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज, सो स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स बिकम इजियर। मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रॉपर्टी बहुत ईजी रहेगी, आपको पहली बार कोई टेबल फॉर्मेट में याद करने को मिला है। इसके अलावा क्या बेनिफिट था, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, इट गिव इनकरेजमेंट टू द डिस्कवरी ऑफ फ्यू एलिमेंट एज सम गैप्स वर लेफ्ट इन इट। यस, जहां ब्लैक कार्ड थे वहां पर एलिमेंट्स पता चले, हमें नए एलिमेंट के बारे में पता चला, जैसे स्केडियम था, गैलियम था, जर्मेनियम था, टेक्नीशियम था, ये वो एलिमेंट थे जो उस वक्त डिस्कवर नहीं थे, लेकिन हमें पता चल गया था इस तरह के एलिमेंट होंगे। दिस वर द एलिमेंट्स फॉर हुम पोजिशंस एंड प्रॉपर्टीज वर वेल डिफाइंड बाय मेंडलीव्स इवन बिफोर देयर डिस्कवरीज, एंड ही लेफ्ट द ब्लैंक स्पेस फॉर देम इन दिस टेबल। सही है, ब्लैंक एग्जाम्पल, ब्लैंक स्पेस ऑफ एटॉमिक वेट 72 इन सिलिकॉन ग्रुप वाज कॉल्ड इक्का सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन के बाद हमने आने वाला एलिमेंट को हमने क्या दे दिया, इक्का। इक्का का मतलब नेक्स्ट, इक्का सिलिकॉन मींस प्रॉपर्टीज लाइक सिलिकॉन, एंड द एलिमेंट डिस्कवर्ड लेटर वाज नेम्ड जर्मेनियम। बाद में हमें पता चला कि ये जर्मेनियम है, यानी जर्मेनियम को आप क्या बोलोगे, इक्का एल्यूमिनियम या
आपके लिए इक्का सिलिकॉन जर्मेनियम हो गया, और इक्का एल्यूमिनियम आपके पास क्या हो गया, गैलियम, इक्का बोरोन क्या हो गया, स्केडियम, और इक्का मैग्नीशियम क्या हुआ आपके लिए, टेक्नीशियम। तो ये सारे उसने नाम दिए, तो इन सब नाम को याद रख लो कि इक्का बोरोन कौन था, स्केडियम, इक्का यानी नेक्स्ट, मैग्नीशियम, इक्का मैग्नीशियम कौन है, टेक्नीशियम, तो ये उसने दिया। तो इस पे कुछ प्रैक्टिस कर ली जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वॉज प्रेजेंट इन मेंडलीज पीरियोडिक टेबल, कौन था, स्केडियम, टेक्नीशियम, जर्मेनियम, कोई भी नहीं था, तो आंसर क्या है, नन ऑफ दिस, लेकिन इनके नाम जरूर दे दिए थे उसने, लिखे हैं इसको। तब से पहले आया था मेंडलीव, उसने कहा हर चीज आप एटॉमिक मास पे देखेंगे, यानी फंडामेंटल यूनिट क्या था, एटॉमिक मास। लेकिन मोजले ने एक्सपेरिमेंट किया और कहा नहीं, फंडामेंटल एटॉमिक मास नहीं है, एटॉमिक नंबर है। मैंने कहा भाई कैसे, तो उसने कहा एक्सपेरिमेंट किया और अपना पूरी थ्योरी दे दी, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं फिर एक्सपेरिमेंट देखेंगे। इन 1912 आफ्टर मोजले एक्सपेरिमेंट इट वाज फाउंड दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज एन मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज देन देयर एटॉमिक मास। मोजले वाज एबल टू स्टेबलाइज रिलेशनशिप बिटवीन एटॉम बिटवीन करेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर एज दिस, यानी यहाँ पर हमने ये रिलेशन मिला हमारे को, वेयर म्यू की वैल्यू क्या बताता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, एंड बी आर द मोजलेस कांस्टेंट, ए एंड बी हमारे मोजले कांस्टेंट है और जेड एटॉमिक नंबर है, और में ये रिलेशन है। तो ये एक्सपेरिमेंट सेटअप कैसा था देखते हैं, सेटअप। तो ये सेटअप जो था एक्सपेरिमेंट सेटअप, वो कुछ इस तरह का था कि यहां से हमारे पास बहुत ही हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया। कैसे किया जाता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हाई वोल्टेज लगाया जाता है, प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये वोल्टेज डिफरेंस बहुत ज्यादा रखते हैं, इतना ज्यादा रखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत बढ़ जाए, और जब इसको किसी भी मेटल प्लेट से कोलाइड करते हैं, यहां से कोलाइड किया आपने तो ये कोलिजन हुआ, तो यहां पर क्या है, एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है, यानी एक वेव निकलती है। अगर ये एनर्जी कम रहेगी तो फिर फायदा नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा रहेगी तो ये क्या बन जाएगी, एक्स रे। तो ये पूरा सेटअप जिसने बनाया था वो कौन था, किसने बनाया था, मोजले ने नहीं बनाया था, सेटअप किसने बनाया था, ये रोजनमुंड ने बनाया था एक्सरे जनरेट करने का, ठीक है। लेकिन मोजले ने उसी एक्सपेरिमेंट को आगे लिया, अलग अलग एलिमेंट्स लिए, यानी कभी मेटल लिया गोल्ड, कभी ले लिया प्लेटिनम, कभी ले लिया सिल्वर, अलग अलग मेटल लिया, कभी लेड, कभी क्या। तो यहाँ मेटल आपने अलग अलग लिया, तो यहाँ जेड की वैल्यू अलग अलग होगी, और उससे रिलेटेड हमारे लिए फ्रिक्वेंसी देखी दिस। तो उसने क्या पाया कि कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंसी और जेड में रिलेशन है, बस यही से उसकी शुरुआत हो गई कि यहाँ पर फ्रिक्वेंसी इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही है कि ए क्या है, जेड क्या है, इस पर डिपेंड कर रहा है। यानी अगर एक ही एलिमेंट के अलग अलग आइसोटॉप ले लिए उसने, लेड के तो बहुत सारे आइसोटॉप्स होते हैं, तो लेड के बहुत सारे आइसोटॉप्स ले लिए, लेने पे भी पता चला फ्रिक्वेंसी क्या रही है, सेम है, यानी ए पे डिपेंड कर ही नहीं रही है, आइसोटॉप में ए ही तो अलग होता है, तो ए पे डिपेंड कर ही नहीं रही है, तो डिपेंड किस पे कर रही है, जल्दी बोलो, जेड पे। और रिलेशन क्या बनाया उसने, उसने ये रिलेशन बनाया अंडर रूट म्यू इक्वल टू ए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेड माइनस बी। अलग अलग एलिमेंट्स में अगर सपोज यहाँ पर म्यू वन है, तो अगली बार क्या रहेगा, म्यू टू, ए जेड वन है तो म्यू वन है, जेड टू है तो म्यू टू है, और अगर इन इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देंगे तो एक अननोन एलिमेंट के जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, जिसका हमें जेड नहीं मालूम था, यस और नो। हमें म्यू वन मालूम है, म्यू टू मालूम है, ए और बी हमारे को इक्वेशन से पता चल जाएंगे, दो तीन एक्सपेरिमेंट करेंगे, ए बी की वैल्यू फिक्स हो गई मोजले एक्सपेरिमेंट में, और फिर हमारे पास उस सेटअप के लिए भी डिपेंड करती है ए बी की, लेकिन सेटअप वही रखेंगे और अलग अलग एलिमेंट रखेंगे, तो जेड वन मालूम है तो जेड टू पता कर लेंगे, हाँ कर लोगे, और इसी तरह से हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ इसकी एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर टू थिंग्स, फर्स्ट इट कैन बाय दिस थ्योरी, बाय दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जेड फॉर अननोन एलिमेंट, और दूसरा वी कैन से दैट फंडामेंटल यूनिट इज नॉट ए, इट इज ए जेड, इट इज ए जेड। तो दो एक्सपेरिमेंट के दो बेनिफिट हुए, यानी कि हमारे पास यूजेस क्या है, एप्लीकेशन क्या रही, तो इसके यूजेस आप लिख लीजिए, फर्स्ट जो यूजेस आपके पास आ रहे थे, फर्स्ट क्या था आपके पास यूजेस में, फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट, लिखते जाइए इस जेड, और सेकेंड हमारे पास था यूजेस में, फर्स्ट बाय दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन कैलकुलेट, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जेड, द वैल्यू ऑफ जेड फॉर अननोन मेटल,
अननोन मैटर। तो देखिए कुछ फायदे होते हैं कुछ नुकसान भी होते हैं। ये गैसेस के लिए यूज नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ हैवी एलिमेंट्स जैसे मेटल्स डी ब्लॉक के, वही हम हमारे लिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर पा रहे थे। तो यहाँ हमारे पास क्लियर हो गया। क्या इस पर न्यूमेरिकल बना जा सकता है? हाँ बिल्कुल बनाया जा सकता है। मैं आपको म्यू वन दे दूंगा, म्यू टू दे दूंगा, ए बी दे दूंगा, जेड वन दे दूंगा, जेड टू पूछ लूंगा, तो न्यूमेरिकल भी आ सकता है यहाँ पर। तो यहाँ हमारे पास एक पॉइंट है जो हम लिख सकते हैं, और इसके अलावा भी दो एप्लीकेशन और है।